कुलकर्णी जी नमस्कार, मैं श्रीकांत। मैं जानता हूं कि आप शास्त्रों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर बुरा नहीं मानो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? क्या आप अपनी जिंदगी में हर काम शास्त्रों के आधार पर ही करते हो? क्या आप इसे दावे के साथ कह सकते हो? नहीं, नहीं कह पाऊंगे, क्योंकि जब शास्त्रों की रचना हुई थी तब समाज में सच्चाई या कुछ और थी, और आज कुछ और है। इतनी वर्षों में हम पर तुर्कियों ने, मुगलों ने, पुर्तगालियों ने और अंग्रेजों ने राज कर हमें बहुत सी नई बातें सिखाई है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमें आईना दिखाया है, हमें अच्छे और बुरे से रूबरू करवाया है, हमें अपनी कमजोरियों को और अपनी शक्तियों को जानने का, समझने का एक मौका दिया है। कुलकर्णी सरकार, हम बदलाव की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां अगर हम आगे नहीं बढ़े तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और जानते हो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? हमारे समाज में हमारे स्त्रियों को आजादी और उनको पुरुषों के बराबर का अधिकार। कुलकर्णी जी, हमारे इसी समाज में जब एक विदुर दूसरी या और तीसरी बार शादी कर लेता है तो उसे कोई नहीं रोकता, तो फिर हमारे स्त्रियों पर यह रोक क्यों? कुलकर्णी जी, अगर आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो फिर हमें सहमति दीजिएगा, मुझे और चीव को, कि हम विवाह कर सकें।